ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की आज बदली जाएगी जगह, इंडिया गेट की बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्थापित होगी ज्योति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था स्मारक, इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल दी जाती है श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिला दी जाएगी अमर जवान ज्योति, सैन्य सम्मान के साथ होगा समारोह। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सियासत भड़की, राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। सोमनाथ मंदिर में आज अत्याधुनिक सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 30 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, गीत के बोल, वचन दिया है यूपी को। प्रचार गीत के वीडियो में बीजेपी ने दिखाई सरकार की उपलब्धियां, पीएम मोदी और योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी वीडियो में आए नजर। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा और बरेली में करेंगे प्रचार, घर घर करेंगे संपर्क। यूपी के लिए आज एक और लिस्ट का ऐलान हो सकता है, दो दौर के चुनाव के लिए हो चुका है 107 उम्मीदवारों का ऐलान। गोरखपुर में योगी की घेराबंदी की तैयारी में अखिलेश, सूत्रों का दावा, उतार सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने तय किया अखिलेश यादव की चुनावी सीट, मैनपुरी के करहल से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी की चुनौती, कहा करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर लगाई लापरवाही आरोपों की झड़ी, कहा आउटसोर्सिंग कर सब कुछ बेचा जा रहा है। यूपी में जारी है चुनावी भागम भाग, मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का हाथ, अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने भी सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, बीजेपी से पहले से ही है नजदीकियां। यूपी विधानसभा में पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन, बड़ी तादाद में भरे जाएंगे पर्चे। यूपी के रण में लखीमपुर कांड की गूंज, राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने के लिए किसान मोर्चे का लखीमपुर में प्रदर्शन। गोवा में भी सियासी सरगर्मियां, आज शिवसेना जारी करेगी लिस्ट। त्रिपुरा का 50वां स्थापना दिवस आज, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट जारी होने की संभावना। बाराबंकी में बीजेपी विधायक सकेंद्र वर्मा ने उड़ाया चुनाव आचार संहिता का मखौल, कलश यात्रा में जुटाई भीड़। बीजेपी विधायक की भीड़ जुटाने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। करनाल में नशे में धुत एक शख्स ने गेट तोड़ते घर में घुसाई कार, गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे के बाद होंडा सिटी को क्रेन से हटाने की आई नौबत, आरोपी ड्राइवर हिरासत में। यूपी के दौलतपुर में पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री, पुलिस की मिलीभगत से फैक्ट्री चलाने का आरोप। पश्चिमी यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। बिहार में जारी है शीतलहर का सितम, दुर्लभ हो रहे हैं सूर्य देवता के दर्शन। बद्रीनाथ में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ, बिजली पानी का संकट। दार्जिलिंग में भी बर्फबारी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका बना फतेहपुर शेखावटी, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का पारा। हिमाचल के ऊना में ठंड के कारण बाजारों में छाई मंदी, किसानों को भी सताई फसल बर्बाद होने की चिंता। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। झालावाड़ में एक शख्स ने गर्भवती पत्नी और बच्चे के इलाज के बजाय हत्या के लिए डॉक्टर को सुपारी देने की कोशिश की, डॉक्टर ने युवक को पुलिस के हवाले किया। इंदौर में निर्माणाधीन स्कूल की ढही छत, 10 मजदूर हुए घायल। कोझिकोड में पकड़ा गया तस्करी का, लाया गया 300 ग्राम सोना, खिलौने की बैटरी में छिपाकर की गई थी तस्करी। देश में तीसरी लहर का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 703 लोगों की मौत, तीसरी लहर में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में अभी 9,600 से ज्यादा ओमिक्रॉन पीड़ित। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मरीज। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना का जबरदस्त कहर, केरल कर्नाटक दोनों राज्यों में 45,000 से ज्यादा केस। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में चौकसी तेज, वसंत कुंज में अपराधियों के घर छापे। धार में 3 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत। श्रीगंगानगर में शराब के नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़कर किया हंगामा। मथुरा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी, 8 तमंचे और बंदूक के बरामद। रोहतक में दुकान में घुसकर लाखों की लूट, 4 हथियार बंद बदमाशों ने की वारदात।
अंबाला में कार पर बदमाशों की फायरिंग, एक की मौत। अकोला में ज्वेलर की धोखाधड़ी, ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों से ठगे 7.5 करोड़ रुपए। बारामती में कमेटी के नाम पर फर्जीवाड़ा, 200 करोड़ रुपए लेकर संचालक फरार। सूरत की सौम्या मिल में बड़ा हादसा, आग लगने से 3 मजदूर जिंदा जले। देवरिया में हथियारों के दम पर 32 लाख के गहने लूटे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।